और अब खबर जयपुर से, जहां कानोता के पास हुआ एक बड़ा हादसा। जी आपको बता दें कि ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने राह चलते बारातियों को रौंद दिया है और हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं एसएमएस अस्पताल में 3 घायलों ने दम भी तोड़ दिया है। सड़क हादसे में 3 की मौत तो वही 5 घायल आपको बता रहे हैं। जयपुर के कानोता में ये सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बारातियों को यहाँ पर रौंद दिया है और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने राह चलते बारातियों को यहाँ पर रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 8 लोग घायल हो चुके थे, जिन्हें अस्पताल भेजा गया, और साथ ही एसएमएस अस्पताल में 3 घायलों ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। आपको जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां कानोता के पास ये बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने यहां पर बारातियों को रौंद दिया और ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली थी ये, जिसने बारातियों को रौंदा और इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में 3 घायलों ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली ने यहां बारातियों को रौंद दिया। जयपुर के कानोता के पास ये सड़क हादसा, एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान भी 3 घायलों ने यहां दम तोड़ दिया। बेहद भीषण ये हादसा,